आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स में वर्ष 2021 की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली योजना के बारे में बात करेंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा जैसे पहली योजना है डेयरी सहकारी स्कीम। डेयरी मतलब जो दुग्ध उत्पाद होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना, इसका मकसद क्या था? देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना तथा किसानों की आय दोगुनी करना। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, यानी PMASBY, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इस योजना के तहत राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 11,024, इसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना है। तीसरी योजना है केंद्र सरकार की है, जिसका नाम है सेहत योजना। सेहत SEHAT फुल फॉर्म अगर आ जाए तो सोशल एंड एवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की PM जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PM जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। नेक्स्ट योजना केंद्र सरकार की जो तीसरी योजना थी गतिशक्ति योजना की बात करें तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ों की गतिशक्ति योजना की शुरुआत की। यानी 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ की गतिशक्ति योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। गतिशक्ति योजना। PM पोषण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना की 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। तथा उसका नाम PM पोषण मिशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया ना? PM पोषण मिशन। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उज्ज्वला 2.0 योजना। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में, यानी 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वल योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसे उज्ज्वला 2.0 योजना कहा जाता है। इसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर के साथ चूल्हा भी फ्री मिलेगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। अगली केंद्र सरकार के द्वारा है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। COVID-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए PM केयर्स के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया जाएगा। यानी कि जो भी बच्चे अपने माता पिता को COVID-19 की वजह से खो दिए हैं, उनके लिए PM केयर्स के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया जाएगा। ई 100 परियोजना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत में इथेनॉल उत्पादन तथा वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना है। ग्राम उजाला योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ग्राम उजाला योजना, यानी इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दाम पर LED बल्ब क्या होगी, प्रदान किया जाएगा। अगला आता है मित्रा योजना, MITRA मित्र योजना। कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना। यानी कहने का मतलब है कपड़ा उद्योग में निवेश कराना, निवेश को आकर्षित करना ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें निवेश करें तथा विश्व स्तर पर इसे क्या करना, प्रतिस्पर्धी बनाना। यानी विश्व स्तर पर हमारे जो वस्त्र हैं या कपड़ा जो है उनका क्या हो सके, आराम से उसका डिमांड हो, उसमें प्रतिस्पर्धा हो। ठीक है, अगला आता है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और निर्यात को वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन के लिए सालाना 12 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए गए। यानी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। अमृत 2.0, इसके तहत 2.6 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके 4700 शहरी निकायों को, यानी 4700 शहरी निकायों को 100% पानी की आपूर्ति करना।
इसमें सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांत को अपनाया गया है, अमृत 2.0। इस क्या है, नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे इसके थ्रू। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 यानी ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं थी वो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। डेयरी सहकारी स्कीम पता है, डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ठीक है, शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, इसमें कितने 11,024 उद्देश्य, स्वास्थ्य और संरचना को मजबूत करना। सेहत योजना, सेहत का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो एस स्टैंड फॉर सोशल, ई स्टैंड फॉर एंडेवर, एफ और एंडेवर फॉर, एच स्टैंड फॉर हेल्थ एंड टी स्टैंड फॉर टेली मेडिसिन। इसके जरिए क्या होता है, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ों की गति शक्ति योजना की शुरुआत की। उद्देश्य इसका था औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल के लिए आगे तक बढ़ा दिया है। ठीक, उज्ज्वला 2.0 योजना, इसका भी आपको पता है 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से इसकी हालांकि शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 से। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन ई योजना, चिल्ड्रेन योजना, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना, कोविड-19 के कारण जो भी बच्चे अपने माता पिता को खो दिए हैं उसके तहत पीएम केयर्स के तहत 10 लाख कोष तैयार किया जाएगा। ई 100 परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में इस परियोजना की शुरुआत की गई। ग्राम उजाला योजना के थ्रू ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने की इस योजना की शुरुआत की गई। मित्र योजना, कपड़ा उद्योग में यानी कपड़े के व्यापारियों को निवेश बढ़ाने के लिए आकर्षित किया गया है तथा इसके जरिए विश्व स्तर पर इसमें प्रतिस्पर्धा हो सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और निर्यात को वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक, अमृत 2.0, इसके तहत 2.68 करोड़ नल कनेक्शन किए जाएंगे अमृत योजना के थ्रू। AMRUT 2.0 आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, ठोस कचरा प्रबंध, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला जो आ रहा है, अगला योजना की बात करेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया कृषि उड़ान 2.0 योजना। अगर आपसे पूछा जाए कृषि उड़ान 2.0 योजना किस मंत्रालय के थ्रू था तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उड़ान से क्लियर हो गया, कृषि उड़ान 2.0 योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसके तहत उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में यानी कि जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र भारत के 7 सिस्टर, 7 बहने, पहाड़ियों के 7 बहने, 7 सिस्टर की बात कर रहे हैं, तो पहाड़ी पूर्व उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में नॉर्दर्न ईस्टर्न ठीक पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों की कृषि के उत्पादों के परिवहन में सहायता होगी। इससे क्या होगा, किसानों के कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता होगी। अगला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वन स्टॉप सेंटर योजना किसने शुरू की, किसके द्वारा जारी किया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2021 में एक योजना लाई जिसका नाम वन स्टॉप सेंटर का क्या उद्देश्य होता है, किसी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना। वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला के खिलाफ कोई भी हिंसा होती है उसके थ्रू उस महिलाओं को क्या करना, सहायता करना। ठीक है, महिला यानी किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना, इसके लिए भारत में 300 सेंटर एवं 9 देशों के दूतावासों में सेंटर खोला जाएगा। भारत में 300 सेंटर एवं 9 देशों के दूतावासों में सेंटर खोला जाएगा। अगला है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन योजना चलाई 2021 में। डीप ओशन मिशन का क्या मतलब होता है, क्या उद्देश्य था, सागरी संसाधनों यानी जो हमारे मरीन रिसोर्सेज हैं के समय सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। यानी सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या जारी किया था योजना, डीप ओशन मिशन।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सबसे पहला अगर बात करें खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक दो योजना चलाई थी। एक होता है प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड का क्या मतलब होता है? आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुष्क क्षेत्रों में बांस के पौधे लगाने हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड। तो बोल्ड में बी स्टैंड फॉर बंबू, ओ स्टैंड फॉर ऑएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। तो बी फॉर बोल्ड, ओ फॉर ऑएसिस, ओ ए एस आई एस ऑएसिस ऑन लैंड, एल फॉर क्या है लैंड, एंड डी फॉर इन ड्रॉट की शुरुआत की। इसकी शुरुआत राजस्थान के उदयपुर में की गई। तो प्रोजेक्ट बोर्ड खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किया था। इसमें क्या था, आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुष्क क्षेत्रों में, यानी जहां पे पानी कम बरसता है उस क्षेत्रों में बांस के पौधे लगाने हेतु प्रोजेक्ट बोर्ड की स्थापना की गई। अगला है, इसी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने स्पिन योजना को लाया। स्पिन योजना का क्या उद्देश्य था? प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान किया जाएगा। यानी स्पिन योजना के तहत जो भी शिशु मुद्रा योजना, यानी प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान किया जाएगा। स्पिन यानी स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। स्पिन का मतलब स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने डीजी सक्षम और आरोग्य धारा 2.0 लाया। डीजी सक्षम योजना क्या थी? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजिटल कौशल कार्यक्रम डीजी सक्षम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देना तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। आरोग्य धारा 2.0 आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 18 अगस्त को आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया। आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करना। आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 अगस्त 2021 तक अस्पताल में 2 करोड़ लोगों को दाखिला हुआ। अगला आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिनने जो योजनाएं लाई उसमें 3 योजनाएं आई स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने। मिशन इंद्रधनुष 3.0, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, आहार क्रांति मिशन, ये तीनों योजनाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। मिशन इंद्रधनुष 3.0 का क्या उद्देश्य है? बच्चे एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण का कवरेज का विस्तार करना। यानी बच्चे एवं गर्भवती महिला का टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना। ठीक, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई। यानी प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, यानी कि भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई। उसी में आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तीसरा योजना था आहार क्रांति मिशन। लोगों को पोषक संतुलित आहार तथा स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आता है इसी में मिशन का आदर्श वाक्य था उत्तम आहार उत्तम विचार। यानी आहार क्रांति मिशन क्या था? लोगों को पोषक संतुलित आहार तथा स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुंच सुनिश्चित करना। मिशन का आदर्श वाक्य था उत्तम आहार उत्तम विचार। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम योजना लाई गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय जेंडर संवाद कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे एनआरएलएम के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को क्या करना, सशक्त करना। नेक्स्ट योजना इसके थ्रू अगर देखी जाए तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने जो योजना लाई स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना क्या थी? इसका उद्देश्य क्या था? उद्यमियों को उनके कारोबार को आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। शिक्षा मंत्रालय ने 2 योजना लाई। एक योजना था सार्थक योजना, नई शिक्षा नीति 2020 को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से
राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। सार्थक योजना, युवा पीएम योजना, शिक्षा मंत्रालय ने युवा पीएम योजना भी लेके आया। शिक्षा मंत्रालय वो क्या था, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। युवा का फुल फॉर्म यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। अगला आता है सीबीएसई, सीबीएसई के द्वारा वीर गाथा परियोजना, यानी स्कूलों में वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुरी और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की सीबीएसई मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सेज, SAGE सेज प्रोजेक्ट, स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना, सेज SAGE। कौन सा मंत्रालय ने लाया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। क्या था इसका उद्देश्य, इसके माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना, यानी सेज मतलब एस स्टैंड फॉर सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, तो एस स्टैंड फॉर सीनियर केयर, ए स्टैंड फॉर एजिंग, ठीक है, ई जी स्टैंड फॉर ग्रोथ, ई स्टैंड फॉर इंजन, तो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय संभव कार्यक्रम, संभव कार्यक्रम क्या था, उद्यमिता में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए संभव नामक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी संभव जो योजना थी वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से संभव नामक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके बाद आता है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भी एक योजना 2021 में लाई जिसका नाम था किसान सारथी। किसान सारथी क्या मतलब है, इसका उद्देश्य केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समृद्धि, समृद्धि कार्यक्रम, अब समृद्धि कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप को उत्पादन तथा व्यवसाय को बढ़ाने तथा निवेश को प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। नीति आयोग, नीति आयोग ने छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 योजना लाई। नीति आयोग ने कौन सी योजना लाई, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0। इसके तहत प्रत्येक स्कूल से एक टीम का चयन करके उन्हें 3D तकनीक का उपयोग करके स्वयं को स्टार्टअप तैयार करने के लिए फंड दिया जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला निधि 2.0 योजना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के अवसर पर निधि 2.0 योजना की शुरुआत की। इसके तहत पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुविधा को आसान बनाया जाएगा। HDFC बैंक के द्वारा स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के लिए HDFC फर्स्ट बैंक घर घर राशन कार्यक्रम, IDFC फर्स्ट बैंक घर घर राशन कार्यक्रम। IDFC फर्स्ट बैंक ने COVID-19 के कारण जान गंवा चुके अपने कर्मचारियों के परिवारों को राशन उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की। IDFC इसके पहले HDFC था। वैज्ञानिक और औषधि अनुसंधान परिषद CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन, वैज्ञानिक और औषधि अनुसंधान परिषद CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन, इसका उद्देश्य वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2021 में दो योजनाएं लेके आया, समुद्र यान परियोजना और अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जनकेयर। तो समुद्र यान परियोजना क्या थी, गहरे समुद्र में खनिज के खनन एवं अन्वेषण हेतु भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत गहरे समुद्र में मानव युक्त वाहन तैनात रखा जाएगा जिससे मत्स्य 6000 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, मत्स्य 6000, यानी गहरे समुद्र में खनिजों के खनन
एवं अन्वेषण हेतु भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत गहरे समुद्र में मानव युक्त वाहन तैनात रखा जाएगा जिसके मत्स्य 6000 नाम दिया गया है। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर, इसका उद्देश्य 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान करना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विचार करना। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाया। उद्देश्य क्या था? 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान कर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं समस्याओं के समाधान पर विचार करना। तो ये थी आपकी कुछ 2021 की प्रमुख योजनाएं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल राइट।